वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों का फजाई दौरा करेंगे। PTMA और इंतजामिया वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमदादी कामों का जायजा लेने और सैलाब मुतासरीन का अहवाल जानने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा भी सैलाब से तबाही की तस्वीर बन गया। मानसेरा में सैलाबी रेलों से दरिया कुनहार में डूब जाने वालों की तादाद 8 हो गई। अब तक 3 लाशें दरिया से निकाली जा चुकी, बाकी की तलाश जारी। लोहर दीर में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रेले की जद में आकर 3 बच्चे दम तोड़ गए। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। मैंगोरा बाईपास के मकाम दरिया सवाद के बहाव में इजाफा। क्वेटा में शदीद बारिश, शहर का कई घंटे से जमीनी, फजाई और मवासलाती राबता मुनकता। एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त मुतासिर। PIA की क्वेटा के लिए लाहौर और कराची की परवाजें मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मरीम नवाज, राना सनाउल्ला, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबले समाअत करार। अदालत ने मुतलका फॉरम न होने का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जिस वक्त ये बयान ना दिए गए उस वक्त किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर समात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस का रिकॉर्ड तलब करते हुए समात कल तक मुलतवी कर दी। शहबाज गिल के वकील हफीजुल्ला याकूब अदालत के सामने पेश। और कोरोना की वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस के 22 6 अफराद जाँ बहक। एक रोज में 433 नए कोरोना मस्बत केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 2.69% रही।